नाज़रीन इदारा बराए समाजी इंसाफ हम ख्याल दोस्तों और तंजीमों के साथ मिलकर इलेक्शन 2024 में राबता अवामी की एक ख़ास मुहिम चला रहा है। इस मुल्कगीर मुहिम में बज़ाहिर मज़हबी अकलियतों के हकूक़ के ऊपर तवज्जो दी गई है, लेकिन हकीकत में ये तमाम शहरियों के लिए एक महफूज, एक नफ़रत से पाक और रोशन ख्याल पाकिस्तान की तामीर का सबब बन सकता है। इन मसाइल में कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने रखी गई हैं, यानी आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 22 अलिफ पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि अक्सरियती मजहब की तालीम अकलियती तुलबा पर लाजिम ना हो। कायदे आज़म के 11 अगस्त 1947 की तकरीर को कौमी निसाब में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की 19 जून 2014 की जजमेंट के ऊपर बाइख्तियार कमेटी बनाई जाए, जो कि अपनी अमल दरामदी रिपोर्ट सूबाई और वफाकी असम्बली में हर 3 माह के बाद जमा करवाए। अकलियतों के बाइख्तियार वफाकी और सूबाई कमीशन बज़रिया कानून साजी बनाए जाए। कम उम्र की शादी और जबरी तब्दीली मजहब की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए। इस मुहिम का उन्वान और पैगाम, मैं भी पाकिस्तान हूँ। याद रखिए, मैं भी पाकिस्तान हूँ।